आज हम बात करने वाले हैं बिहान शरीफ के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन फार्मेसी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहान शरीफ की सारी डिटेल समझानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं बिहान शरीफ काम किस लिए आता है। तो ये एक एलोपैथिक सिरप है जो मुख्यतः पोषण की कमी के इलाज के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। अब हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि ये कैसे काम करती है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, क्या इसकी बेनिफिट है, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, चलिए इसी के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट जरूर दें। इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी ट्वेल्व, इसके बाद विटामिन डी थ्री, विटामिन ई, विटामिन एच, इसके बाद सेलेनियम, मैग्नीशियम, बीटा कैरोटीन, इसके बाद क्रोनियम, ये इंग्रेडिएंट है। इससे ये जो सिरप का सस्पेंशन है, इस जो सिरप का इंग्रेडिएंट है, इसी से मिलकर ये सिरप जो है वो तैयार हुआ है। अब हम नेक्स्ट ये बात करते हैं डिटेल्स के कि इसका यूज़ जो है मेनली किस किस चीज़ में होता है। तो इसका जो मेनली यूज़ है वो खनिज की कमी को, जो हमारे बॉडी में खनिज की कमी हो जाते हैं, गठिया, बाल झड़ने लगते हैं, एलर्जी, अस्थमा, कमजोरी, वीकनेस हो जाते हैं, बायोटिन की कमी हो जाती है, मधुमेह मींस शुगर, कैंसर, थायराइड जैसी समस्या को दूर करने के लिए बिहान सिरप जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके डोजेस, सही डोजेस क्या होती है। तो खाना खाने के बाद 5 से 10 ml सिरप दिन में 1 से 2 बार लेने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ जाता है, इसलिए लंबे समय तक उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट का सलाह और परामर्श जो है वो लेके ही इसकी जो डोज है उसमें डिक्रीज या उसको घटाएं या बढ़ाएं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट लाल चकते, सांस लेने में तकलीफ, जोड़ों में दर्द, इसके बाद छींकाना, जोड़ों में दर्द, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गड़बड़ी, चिड़चिड़ापन, नाखून की खनखनाहट, एलर्जी की प्रतिक्रिया, ये सब साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आप इस दवा के साथ कोई और दवा का सेवन कर रहे हैं या फिर आपको कोई एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को इस चीज़ों की जानकारी ज़रूर दें। थैंक यू।